रुस्तमपुर बड़गो के नागरिकों ने सोमवार को सड़कों पर हुए जलजमाव को दूर करने के लिए पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिकों ने मांग करते हुए कहा कि यह गांव अब नगर निगम में शामिल हो गया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, जिससे हम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार से छात्रों का स्कूल खुल गया है, हमारे बच्चे पानी में स्कूल कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने शनिवार को धरना देकर प्रशासन को अवगत कराया था कि रविवार तक जल निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे बच्चे स्कूल जा सके, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों की मांग है कि 24 घंटे के अंदर जल निकासी की व्यवस्था हो, नहीं तो सभी नागरिक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर आजाद नगर चौकी प्रभारी अभिनव मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक कल्याणधर दुबे, राजेश पांडे और आशुतोष तिवारी ने कहा, जल जमाव दूर हो, जल जमाव दूर हो, दूर हो, दूर हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनार्दन, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमाव दूर हो, दूर हो, दूर हो, जल जमाव दूर हो, दूर हो, दूर हो, जल जमाव दूर हो, दूर हो, दूर हो। बच्चे स्कूल नहीं गए, मजा देख जमा दूर हो, दूर हो, दूर हो, जल जमा दूर हो, दूर हो, जल जमा दूर हो, 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 दूर हो, जल जमा दूर हो, 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 दूर हो, दूर हो। राजेश पांडे, आई निदान के लिए प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है कि अस्थाई निवारण रोड के साइड में बड़ा नाला बना करके रुस्तमपुर से ले जा करके ये बड़गो होते हुए ऑक्सफोर्ड स्कूल होते हुए रामगढ़ ताल में मिलाया जाए। जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक यहाँ का अस्थाई समाधान नहीं हो सकता है। हर साल पानी लगता है, हर साल धरना प्रदर्शन होता है, क्या होता है, इधर से उधर रोड काट के पानी निकाल दिया जाता है, कॉलोनियों में हर सड़क पर पानी भरा हुआ है। नाले की समस्या सबसे बड़ी समस्या है रुस्तमपुर ढाले के इधर। कम से कम 10,000 गांव, 10,000 मकान है और लाखों की संख्या में जनसंख्या है, सभी लोग प्रभावित हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग प्रभावित हैं, घर में कैद हुए हैं। यह आज विद्यालय खुला है काफ़ी दिन के बाद, बच्चे पानी की वजह से विद्यालय नहीं जा पाए हैं। अभी तत्काल में पानी का निकासी हो जाए और अस्थाई समाधान के लिए आपके माध्यम से शासन प्रशासन को से आग्रह है कि अस्थाई नाला का निर्माण किया जाए। 24 घंटा, जब तक नाला नहीं बनेगा इस क्षेत्र का समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। कल्याणधर दुबे सर, जल जमाव के विषय में 2 सालों से हम लोग बरसात के पानी से पीड़ित हैं। आए दिन हम लोग के घर में सांप बिच्छू, घर से निकलना दूर है, घर में कैद हैं हम लोग। इसी माध्यम को लेकर, मकसद को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर 24 घंटे में पानी की निकासी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन और नगर आयुक्त होंगे। इसकी सूचना आप लोगों ने किसी को दी है? मैंने सीएम पोर्टल पर डाल दिया है, नगर आयुक्त को, सारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। आशुतोष तिवारी, निवासी बड़गो, गोरखपुर, रुस्तमपुर। आज बड़गो, कजाकपुर, पथरा, रानीबाग, गेहुआ सागर, सेंदुली बेंदुली, यह सभी मोहल्ले जो नगर निगम से पिछले 1.5 साल से जोड़े गए हैं, यहाँ जल जमाव पिछले 1 महीने से भारी मात्रा में सभी मोहल्ले जल जमाव से भर गए। आज 16 तारीख को 2 साल बाद स्कूल खुला है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस जल जमाव के कारण हम सभी के बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए। प्रशासन इस बात को, जो प्रशासनिक कार्रवाई है,
जो नियमानुसार है कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया, यहाँ तक कि मैं खुद सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया, नगर आयुक्त को अवगत कराया और सीएम के पोर्टल पर भी यहाँ की समस्या दी गई। यह समस्या विगत 2 साल से है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो समस्याएं हैं उसके प्रति कोई भी संवेदना नहीं जताई और आज हम लोग इतना पीड़ित है कि अपने रोज़मर्रा के जो घरेलू सामान है उसको नहीं ला पाते हैं, हमारी ज़िंदगी दूभर हो गई है, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, या जो भी जनता है। और सबसे बड़ी विवाह हम लोग शहर में या अपने मोहल्ले में बसे हुए हैं, हमारे बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न हमारे कोई व्यवस्था ठीक से चल पा रही है। अगर प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर यह जल जमा दूर कर सकती है, हम लोगों की समस्या जब तक दूर नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो स्थानीय जनता है, जब तक यह समस्या दूर नहीं होती है हम लोग इसी पानी में धरने पर बैठे रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए हमारी सुनवाई अब तक नहीं हुई, अब हम जो है आर या पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।